और आज मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं नवेंद्र सिंह आज आप लोगों को बताता हूं नोटपैड के बारे में कि आखिर हम नोटपैड का यूज करते क्यों हैं। नोटपैड का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम सिंपल से सिंपल टेक्स्ट को एडिट कर सकें। नोटपैड जो होता है वह सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम लैंग्वेज जैसे HTML, DHTML की कोडिंग करते हैं, जावा की कोडिंग करते हैं, और कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उनकी जो सीरियल नंबर होती है वो नोटपैड में ही होती है, इसलिए हम नोटपैड का यूज करते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नोटपैड को हम कैसे ओपन करते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपका ये मॉनिटर का स्क्रीन है और ये विंडोज 7 है। तो विंडोज 7 में हम नोटपैड को स्टार्ट स्टार्ट बटन से करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट बटन है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम जो होते हैं, जो भी हमारे पास इंस्टॉल होते हैं, जो हम रिसेंटली यूज किए होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो हम ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, फिर हम इसमें एसेसरीज ढूंढते हैं। एसेसरीज पर आए और इस पर हम क्लिक करते हैं नोटपैड पर आते हैं। तो नोटपैड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका नोटपैड ओपन होके आ गया है। अब हम सबसे पहले बातें करते हैं कि नोटपैड जो है ये पूरे स्क्रीन पर नहीं आया, पूरे डिस्प्ले के अकॉर्डिंग नहीं है, ये छोटा नजर आ रहा है। तो आखिर क्यों नजर आ रहा है? नोटपैड में ये इस साइड से अगर देखते हैं तो ये जो होते हैं हमारे तीनों के तीनों बटन, जिसे हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं, और यहाँ अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है। तो ये जो पट्टी होती है यहाँ से लेकर वहाँ तक, इस पट्टी को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, और ये हमारा मिनिमाइज बटन होता है। कंट्रोल पैनल का, कंट्रोल बटन का जो फर्स्ट बटन होते हैं वो मिनिमाइज बटन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ नजर आ जाएगा मिनिमाइज। तो मिनिमाइज की यूज हम जो भी ओपन सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर में ये तीनों कंट्रोल बटन आते हैं, उसे अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, या करने का मतलब ये है कि अगर आप इसको छुपाना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर ओपन है इसे छुपाना चाहते हैं, तो आप मॉनिटर के नीचे जो टास्क पिन होते हैं इसमें आप छुपा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आइकन नज़र आ रहे हैं, जिस ऐसे ही हम कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे ये आइकन नज़र आएगा। अगर हमें फिर से ओपन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अगर हमें कोई दूसरा विंडो खोल के उस पर काम करना है, कोई दूसरी सॉफ्टवेयर पर काम करनी है, तो हम दूसरी सॉफ्टवेयर की विंडो खोल सकते हैं और हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर हमें इसी पर काम करना है तो फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा जो आता है वो है हमारा मैक्सिमाइज बटन। तो मैक्सिमाइज बटन का यूज होता है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो डिस्प्ले दिख रही है डिस्प्ले के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा। देखिए जिस पूरे डिस्प्ले पर आ गई। अगर हमें ये फिर से इसे छोटा करना हो तो हम यहीं पर क्लिक करेंगे, ये छोटा हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज का मतलब ही यही होता है, हमें छोटा या बड़ा करना। अगर छोटा है तो हम बड़ा करेंगे, बड़ा है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। क्लोज बटन का यूज होता है, इसे अगर पूर्णतः हमें बंद करना है तो हम क्लोज बटन का यूज करके बंद कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लोज करेंगे और ये बंद हो जाता है और ये हमारी एकदम बिल्कुल ही क्लीन हो जाती है। तो हमें अगर पुनः उस पर काम करना होता है तो हम